हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं सम इम्पॉर्टेंट सॉल्व एग्जांपल्स फॉर एक्सरसाइज 5.1। लेट्स सॉल्व एग्जांपल 17। आपको डिस्कस करनी है द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। तो फंक्शन क्या दे रखा है आपके पास, साइन एक्स, ठीक है, साइन फंक्शन है। सो आपको किस पॉइंट पर चेक करनी है, ये आपको प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। तो जब भी आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी होती है किसी भी फंक्शन की और प्रोवाइड नहीं होता है आपको कोई भी पॉइंट, तो आपको लेट करना होता है। सो हम इस फंक्शन को किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू ए, ठीक है। सो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस ऑफ एफ एक्स equals to limit h tends to zero, function के अंदर a minus h आएगी value, right? So जैसे ही मैं यहाँ पे value डालती हूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या value आ जाएगी, sorry, sin a minus h। So यहाँ पे ध्यान से देखो इसको मैं कैसे open करके लिखती हूँ, sin a minus b का formula apply करूँगी, right? That is, so ये formula है इसका, वो simply मैंने open कर दिया है। So algebra of limit की help से ये limit अगर इसके साथ है तो ये limit इसके साथ भी अंदर जा सकती है, right? So यहाँ पे sin a cos h minus limit h tends to zero cos a sin h। सो h की वैल्यू ही आपकी क्या डालने वाले हो आप, जीरो, a में तो डलेगी नहीं, राइट। सो आपने क्या डाली जो वैल्यू h की, यहाँ पे जीरो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या हुई, साइन a एज इट इज, cos जीरो कितना होता है आपके पास वैल्यू वन, एंड यहाँ पे जैसे ही आप डालोगे लिमिट h टेंड्स टू जीरो तो यहाँ पे cos a एज इट इज, साइन में जीरो डालोगे तो आपके पास जीरो वैल्यू आती है, राइट। सो यहाँ पे cos जीरो वैल्यू होती है वन, तो यहाँ से वैल्यू आपको मिली sin a, ये टर्म हो चुकी है जीरो। सो यहाँ पे इतना सॉल्व करने के बाद आपके पास वैल्यू क्या आई है, sin a। सो लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी आ चुकी है। सो ऐसे ही आपको क्या निकालनी है, राइट लिमिट। सो यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, sin a प्लस b का, तो जो कि मैंने ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे लिमिट लगाओगे जहाँ पे h आपकी वैल्यू है जीरो, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, अगेन sin a, यहाँ से यहाँ पे वन, यहाँ पे जीरो, दैट मीन्स अगेन आपकी वैल्यू क्या आई है, sin a। एंड एट दैट पॉइंट अगर फंक्शन में ही a डाल के चेक करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, sin a। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू एट दैट पॉइंट भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है, sin a। एग्जांपल 17 की कॉन्टिन्यूटी चेक कर दी है, दैट इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ रहा है आपका जो है क्या है, sin x। सो क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपको फंक्शन दे रखा है tan x, इसको आपको प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस ही आएगा। सो पॉइंट आपको नहीं दिया हुआ है तो एट एक्स इक्वल्स टू ए पर ही आप चेक करो। सो इसकी भी लिमिट मैं आपको चेक कर देती हूँ। एट, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं ए माइनस, तो फंक्शन के अंदर ए माइनस एच जब वैल्यू डलेगी तो दैट मीन्स आपकी किस तरह से वैल्यू आएगी, टैन ए माइनस एच। अब टैन को साइन कॉस में कन्वर्ट करके लिखना होगा, तो आप किस तरह से उसको लिख सकते हो, यू नो दैट, साइन ए माइनस एच डिवाइड बाय कॉस a माइनस एच, इस तरह से लिख सकते हो, राइट। तो अब लिमिट डिवाइड फॉर्म में, इधर भी लिमिट जा सकती है और इधर भी लिमिट जा सकती है, राइट। सो यहाँ पर ऊपर फॉर्मूला लगेगा साइन a माइनस बी का, नीचे कॉस a माइनस बी का। कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। सो यहाँ पे h की जगह आप जीरो जब डाल दोगे, ऊपर आपको वैल्यू मिलेगी साइन a, नीचे आपको मिलेगी वैल्यू कॉस a, दैट मीन्स इसको आप वापस से क्या लिख सकते हो, टैन a। तो जिस तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी वैल्यू क्या दे रही है, टैन a, राइट हैंड लिमिट भी जब आप सॉल्व करोगे खुद से तो वो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको उसकी टैन a। तो आप ये खुद से सॉल्व करके देखो, ट्राई करो, राइट, एंड एट दैट पॉइंट आपको वैल्यू क्या मिलेगी, tan a। सो अगर ये थ्री टर्म्स आपकी इक्वल आ रही हैं तो हैंस प्रूव्ड कि ये जो फंक्शन है आपका tan x, दैट इज अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, राइट।